कोरोना के मोहलिक वार, लाहौर डेंजर जोन बन गया। 24 घंटों में मजीद 23 संबात, 1226 नए मरीज। 96 रोज में वायरस से जां बहक, 442 मुसद्दका मरीज 31,000 से तजावुज कर गए। अस्पतालों में दाखिल तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा, 331 ICU 124 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वार्ड्स में 712 मरीज जेरे इलाज। कोरोना वबा के दौरान महकमा सोशल सिक्योरिटी की शदीद गफलत, मुतल्लिका अस्पतालों में बर वक्त इकदामात, मास्क हिफाजती किट्स फराहम न करने के मनफी असरात जाहिर। इंसदादे कोरोना मुहिम के सरबराह डॉक्टर खालिद महमूद भी वबा का शिकार हो गए। सिक्योरिटी अस्पतालों के डॉक्टर्स और दीगर अमला भी खौफ का शिकार, एक बार फिर हिफाजती सामान की फराहमी। कोरोना के गैर मामूली फैलाव पर जिला इंतजामिया के मजीद इकदाम, केनाल रोड से गार्डन टाउन जाने वाला रास्ता सील। SOPs की खिलाफ वर्जी पर धर्मपुरा बाजार भी बंद करने का हुक्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर लगाकर आमदोरफ्त रोक दी। शदीद मुतासर इलाकों की निगरानी करने वाले पुलिस एहलकार हिफाजती किट से महरूम। कोरोना मरीजों के लिए फायदा मंद होने के इंकशाफ पर इंजेक्शन डेक्सामेथासोन भी शॉर्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जुजवी तौर पर सप्लाई रोक दी। बरतानवी तहकीक सामने आने पर इंजेक्शन की अफादियत में अचानक इजाफा हो गया। PTI की टाइगर फोर्स कोरोना वबा के खिलाफ नॉकआउट। स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज सील इलाकों में शहरी इमदाद के लिए मुकर्रर फोर्स के जवान मैदान से गायब। क्लिफ्टन कॉलोनी में अलखिदमत के रजाकारों ने खिदमत का महाज संभाल लिया। ताजिर बरादरी को भी मार्केट्स में मुकर्रर किए गए टाइगर्स की तलाश। फोर्स को SOPs पर अमल दरामद के लिए मदद का टारगेट दिया गया था। जिले इंतजामिया 70 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकाम। जुर्मानों पर डीलर्स ने खरीदारी रोक दी। सुपर स्टोर्स ने फरोख्त बंद कर दी। शहर में चीनी की किल्लत, बहरान मजीद संगीन हो चुका। सुपर स्टोर्स मालिकान का लाहौर चैम्बर से मसला हल कराने का मुतालिबा। पेट्रोल का बहरान 18वें रोज भी जारी। निजी ऑयल कंपनीज के 40% सप्लाई कम करने से बेशतर पंप्स बंद। शहरी पेट्रोल और डीजल खरीदारी के लिए खार हो गए। गर्मी में इजाफे पर बिजली की खपत भी बढ़ गई। डिमांड 4,200 मेगावाट से ज्यादा होने पर नेस्को हुकाम का 3 घंटे रोजाना लोड शेडिंग का फैसला। लोड शेडिंग 30% से ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में की जाएगी। शदीद गर्मी का सिलसिला जारी। सूरज की आबोताब भी बरकरार। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से हल्का। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, आइंदा 48 घंटों में मानसून का आगाज। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 9 जेरे तामीर पुलिस स्टेशन आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला। कला गुजर सिंह थाने की तामीर के लिए 2,60,00,000 छू, यकी गेट थाने के लिए 2-2 करोड़ और लोहारी गेट पुलिस स्टेशन की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। गुलशन टाउन, फैसल टाउन फैक्ट्री एरिया समेत दीगर थानों के लिए भी अलग से रकम रखी गई है। पेप स्कूल्स में भी निसाबी कुतुब की तकसीम का आगाज। शहर के 276 स्कूल्स के 72,000 तलबा में 2,00,000 निसाबी कुतुब की तकसीम का अमल जारी। स्कूल आने वाले तलबा और वालदैन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का महंगाई में इजाफे और तनख्वाहें न बढ़ाने पर एहतजाज। मुजाहरे के दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे, तनख्वाहों और अलाउंस में 20% इजाफे का मुतालिबा। सुनवाई न होने पर काम बंद करने की धमकी। लाहौर पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। 12 रोज के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,716 दुकानें सील। 615 मुकदमा दर्ज। मामूली खिलाफ वर्जियों पर करीबन 16,000 दुकानदारों और शहरियों को वार्निंग जारी। रायवन के इलाके बतना पिंड में दोहरे कत्ल की अंदोहनाक वारदात। घरेलू तनाजे पर भाई ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गश्त और निगरानी के बावजूद डाकू और राहजन पुलिस की नजरों से ओझल। निश्तर कॉलोनी के अवान मार्केट में डकैत राज। हफ्ता रफ्ता में 8 वारदातें।
दिन दिहाड़े लूटमार और फायरिंग के वाकयात से ताजिर और खरीदार खौफ व हिरास का शिकार। गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। 17 किनाल 18 मल्ला कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मुकदमे में दो DMG अफसरान समेत 17 मुलजिमान नामजद। एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासजात केस की समाअत। जेल हुकाम ने कोरोना के सबब हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया। केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। साबिक DGLDA के खिलाफ भी ज़ायद असासजात केस की समाअत। अहद चीमा पेश। नैब के गवाह अब्दुल रऊफ पर जिरह मुकम्मल। लियाकत अली का बयान रिकॉर्ड। कोरोना से सेहत याब होने वाले मरीजों के प्लाज्मा की फरोख के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का सेक्रेटरी प्राइमरी और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड को पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि कानून मौजूद है तो प्लाज्मा कैसे फरोख्त हो रहा है। आटा और गंदम बहरान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट में जवाब जमा ना कराने पर नैब FIA समेत दीगर को जवाब जमा ना कराने पर 24 जून तक आखिरी मोहलत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी विपाक के रवैये पर गैर मुतमईन। रिमार्क्स दिए कि मुफाद आमा का मामला है, जल्द फैसला कर देंगे। प्राइवेट स्कूलों के तलबा से इजाफी फीस वसूली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। CEE एजुकेशन जाहिद परवेज अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी में मुलव्वज़ स्कूलों के बारे रिपोर्ट पेश। समाअत 24 जून तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में आज से बजट पर बहस का आगाज। इजलास में कोरम की निशानदेही ना करने पर अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक। जमनी मुतालबात जेर पर बहस और राय शुमारी 30 जून को होगी। स्पीकर का बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा राय पर नोटिस। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त ना करने का ऐलान कर दिया। कोरोना के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सील किए गए इलाकों को केसेस खत्म होने पर खोल दिया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन असेंबली से गुफ्तगू। शहरियों को मास्क पहनने और सामाजिक फासला कायम रखने की भी तलकीन। अपोजिशन हुकूमत गिराने का ख्वाब देखना छोड़ दे, आइंदा इंतखाबात का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मीडिया टॉक में इजहार ख्याल। बोले इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान बतौर वजीर आजम आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर इत्तला पंजाब का यूनिवर्सिटीज में कुरान पाक की लाजमी तालीम के फैसले पर इजहार मुसर्रत। फयाज़ुल हसन चौहान की गवर्नर पंजाब को मुबारकबाद। कहा कुरान पाक तमाम मसाइल का हल और हिदायत का सरचश्मा है। एकदम नई नसल के लिए कामयाबी की कुंजी साबित होगा। वजीर सेहत ने लाहौरियों और कौम को जाहिल कहा तो अपने वोटर्स को जाहिल कहा। मुल्क में इस वक्त दयानतदार क़यादत की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अलखदमत दस्तरखान की इब्तदाई तकरीब से खिताब। बोले अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। वजीर आजम बताएं इस वक्त कोरोना अहम है क्या 18वीं तरमीम। पुलिस कारकर्दगी बेहतर बनाने, थानों से करप्शन खत्म करने का मंसूबा नाकाम। IG शुएब दस्तगीर का लाहौर के 5 मॉडल थानों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। टाउनशिप कहना, डिफेंस ए, शुमाली छावनी और न्यू अनारकली थाने को जारी किए गए खसूसी फंड्स के ऑडिट का हुक्म दे दिया गया। कोरोना में रिलीफ मिला, ना टैक्सों के बोझ से निजात। हुकूमत ने नए बजट में टोकन टैक्स कम किया, ना प्रोफेशनल टैक्स। उल्टा रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स भी कार्ड लाइन के ताजरों पर लागू कर दिया। कार्ड लाइन एसोसिएशन का हुकूमत से 4 माह से बंद कारोबार के लिए रियायतों का मुतालबा। कोरोना बहरान से निमटने के लिए लाहौर चैम्बर का हलाल फूड्स एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद की इकोनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ से गुफ्तगू। बोले मौशी बहरान से 1,000 अरब डॉलर वाला हलाल फूड सेक्टर ही निकाल सकता है। जहां पाकिस्तान का हिस्सा गुंजाइश के बरखिलाफ सिर्फ 0.4% है। कोरोना के तश्वीशनाक मरीजों के लिए मजीद हाई डिपेंडेंसी बेड मंगवा लिए। कोरोना वबा के खिलाफ नए साल में भी फंड्स मख्तस किए हैं। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के इलाके ने सूबाई असेंबली से गुफ्तगू।
बोले पसमानदा इलाकों की तरक्की तरजीह है, जारी मंसूबों की खुद निगरानी कर रहा। जामिया नईमिया में ताजवर नईमी मरहूम की कुल्फानी, दुआया तकरीब में डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर उलमा और समाजी शख्सियात की शिरकत, हाजरीन की मरहूम के इसाले सवाब और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ।